वेलकम बैक फ्रेंड। तो कोरोना पर हर बड़ी अपडेट राज्य से लेकर पूरे देश तक की सभी खास खास अपडेट इस चैनल्स पर हम लगातार आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही हर तरह की पॉजिटिव अपडेट और सही खबर आप लोगों को देते हैं। बने रहिए इस चैनल पर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस चैनल आपका अपना चैनल है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण की दर बेकाबू होती जा रही है और इसको लेकर यहाँ पर लॉकडाउन के कयास लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे कि लॉकडाउन की क्या है संभावना और कब से लगेगा लॉकडाउन। तो चलिए अब खबर को डिटेल्स में आपको बताते हैं कि बिहार में कोरोना वायरस की संक्रमण दर बेकाबू होते जा रही है। शनिवार को 24 घंटे के अंदर राज्य में करीब 12,500 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। अकेले पटना जिले में 2,500 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं और अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 80,000 के पार चली गई है और लगभग यहाँ पर कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा 1,00,000 पार हो सकती है। आगे की स्थिति और अधिक बिगड़ने की आशंका को देखते हुए अब पटना के डॉक्टरों ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि 5 मई से 15 मई तक 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। यहाँ आज दिन भर बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण और टीकाकरण से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। आपको बता दें कि पटना एम्स के डॉक्टरों ने राज्य को 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया है और डॉक्टरों का कहना है कि जब तक पूर्ण लॉकडाउन नहीं होता है तो कोरोना की चेन तोड़ने में यहाँ पर हम सफल नहीं हो सकते हैं। कोरोना चेन तोड़ने में लंबी लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सहायता दे सकती है। फिलहाल राज्यों में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होते जा रही है। एक हफ्ते पहले रोजाना 5,000 के करीब नए संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन अब रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 12,000 को पार कर गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। तो यहाँ पर अब पूरी तरह से सुगबुगाहट है कि लॉकडाउन निश्चित रूप से लग सकता है। अगर एक दो दिनों में हालात पर काबू नहीं हुई तो कड़े लॉकडाउन यहाँ पर बिहार में लगाए जा सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही कोई खास अपडेट आती है आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाकर लाएंगे। मिलते हैं एक और खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।